और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुछ देर पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और सुषमा स्वराज के बीच मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत को धमकी दे दी। रानिल ने कहा कि अगर भारतीय मछुआरे उनकी जल सीमा को पार करेंगे या उसमें दाखिल होंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। ये इस वक्त बड़ी खबर है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का ये विवादित बयान है। सुषमा स्वराज से उनकी मुलाकात हुई, उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मछुआरे उनकी सीमा में दाखिल होंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्रीलंका पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। We are here this evening to welcome a very special friend of Sri Lanka, who is also one of the most distinguished political personalities in India today. Minister of External Affairs, Srimati Sushma Swaraj. भारत श्रीलंका से बेहतर संबंधों की उम्मीद लगाए हैं। Let me raise a toast for India-Srilanka friendship. And the well-being and prosperity of the peoples of the two countries. Thank you. लेकिन सुषमा स्वराज से मिलने से पहले ही श्रीलंकाई पीएम ने बेहद ही तीखा और गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। एक तमिल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि अगर कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं उसे शूट कर सकता हूँ, अगर वो मारा जाता है तो मुझे कानून इसकी इजाजत देता है, ये हमारा जल क्षेत्र है। जापना के मछुआरों को मछली पकड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। यहाँ भारतीय मछुआरे क्यों आते हैं? जापना के मछुआरे यहाँ के लिए सक्षम है, एक उचित बंदोबस्त की जरूरत है, लेकिन हमारे उत्तरी मछुआरों की आजीविका की कीमत पर नहीं। मछुआरों पर गोलीबारी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। आप हमारे जल क्षेत्र में मछली क्यों पकड़ रहे हैं? आप भारतीय हिस्से में ही रहें, इसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। रानिल का ये बयान उस समय आया है जब पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 13 और 14 मार्च को श्रीलंका में होंगे। 13 मार्च को पीएम श्रीलंका की संसद को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने कुछ दिन पहले ही भारत की यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच रिश्ते में नए अध्याय की बात की थी। लेकिन पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के ठीक पहले श्रीलंकाई पीएम का बयान दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज।